lockdown. Lockdown olsan sen ökez Rabbi da zene ökez bana ayar bacağıma. Hem ala şu garmın ki mıcın sani. Kavra bol kesin lafın. Bize bunu acatır kavra bol kesin. Tuğçu bahat insanı kendisi. Kendisi nokta bu. Lockdown agar gayet noksan. Kışırdan gayri bir. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम कोविड 19 सेकंड वेव के हवाले से बात करेंगे तो इस साल हमें जो कोविड पॉजिटिव केसेस है और जो डेथ रेट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं पिछले साल से। तो हालांकि जो लोग हैं वो SOPs फॉलो कर रहे हैं, जैसे फेस मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना और कीप सोशल डिस्टेंस। हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, वो भी अपने अरूज पर है, वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन अभी तक हमें कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। वैक्सीन किस हिसाब से नुकसान हो जाए, जैसे बीमारी फैल रही है दिल्ली में, देखो आप कैसी हालत हो रही है दिल्ली में, देखो मजदूर लोग हैं, हमें बाजार में ही काम है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा हम घर में बैठेंगे, फिर क्या खाएंगे, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। आपका कहने का मतलब है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? नहीं। तो आपको लगता है मतलब आपके घर पे लॉकडाउन कराए سانی احتیاط کر مگر یہ بہت پرابلم ہے اس دور جنا رپیتا شام کے عیال جمع اس چھن کہاں ملے اس بورڈ پر اس کر دور بزنس کا شام اس کیا ہوا اگر اس ملک اس گورنمنٹ کی فیسلٹی تھا کہ رپیتا شام لاگ ڈاؤن دور میں گیا اس جی اس با مال کی مال کے اس واج رپیتا اس بچا کر نو آیا اج بار بھی سمجھ مان کر یا کوئی کچھ مان کر دیکھو یہ جو بار بار چھوڑے تھے لاگ ڈاؤن اس سے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہونا ये बीमारी है, वो मुहलत बीमारी। इसमें तो देखो लोग कैसे मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं आजकल, जो हमने दिल्ली में बाकी जगहों के हालात देखे हैं। मेरी अपने दुकानदारों से यही अपील है कि हमें पहले अपने आप को बचाने, अपने आलो आयाल को बचाने। पैसे तो हम बैर के लिए कमाएंगे, जब जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा, अगर जान ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। और ये लॉकडाउन का जो मामला है कि जो ये दो दिन आधा दिन बहुत, इससे कुछ मसला हल नहीं हो रहा। पूरा एक हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए और वो भी पूरा बंद होना चाहिए, जिससे ये चेन टूटेगी और आगे हम फिर काम कर सके। मेरी लोगों से यही मैसेज रहेगी, जब जरूरत पड़े तो मार्केट आए, जब कोई मजबूरी पड़े, क्योंकि ये वो मोहलक बीमारी है, किसी को भी लग सकता है। और आजकल ये छोटे छोटे बच्चों में और नौजवानों में जा रही है। आप देखा कल सोपोर में एक वो भी ताजर पेशा आदमी था, 40 साल का एक बंदा था, मेडिकल के साथ वापस था, उस बेचारे की मौत हो गई। ये भी मत गया वो लोग से ऐसे सतन दे रहा, वहां से करा ले एक्सेट बंद एक्सेट तवाई जान हम से तो खराब जावा आज की जाते के जो लॉकडाउन का सर और इंतहान पर अगर लॉकडाउन का तो कुछ नहीं फर्क। लोग किस तरह सोच पड़ा कि सीक्रेट मास्क लगा कि मुलाकात दादा वो बनना पड़ी वहाँ एक बड़े दुकानदार रख सकते तब कुछ फर्क है सर। सुनते यही है लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो तो सुनते नहीं है, मास्क लगाना वो लगाते नहीं है, नहीं करते। इससे हमारी सेफ्टी है, हम सबके लिए सेफ्टी है, और बेहतर ये है कि जितना प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, अगर हम खुद से प्रिकॉशंस लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब मास्क का यूज करेंगे, हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और ये बेहतर है कि अगर अभी गवर्नमेंट टाइम से लॉकडाउन कर रही है तो वो हम सबके लिए ठीक रहेगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी लॉकडाउन अभी हो चुका है, तो बेहतर है कि बांडीपोरा में भी अभी टाइम से हो जाए तो यहाँ के लोग भी बच सकते हैं, इस वबाई बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए मैसेज ये है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले, जब भी कोई काम हो तो तभी घर से बाहर निकले, मास्क का यूज करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखें सबसे। लॉकडाउन टेम्परेरी कर रहे हैं, जैसे पिछले जो संडे थी 34 आवर्स का लॉकडाउन इन्होंने किया है पूरे यूटी यानी JK में, तो इस बार अभी आज शाम 7 बजे से